हम दोस्तों कैसे हैं आप? विशाल जिम हेलिटेज फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में डे सिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है संडे और जिम है ऑफ। आज जाने का जिम मन नहीं हुआ, तो पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैंने होम सीरीज चलाई थी, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट आज भी उसके मेरे पास रखे हैं, कुछ सेल आउट के लिए रखे हैं, कुछ प्रॉपर मेरे होम जिम के तौर पे मेरे लिए रखे हैं। तो मैं आज डे सिक्स घर पे ही बना रहा हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि रहेगी हमारी पहली एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग के लिए हम करेंगे। तो हैमस्ट्रिंग के भी 100 रिपीटेशन मारना है, तो कुछ इस तरह से किए जाएंगे। वो इसको पूरा ऊपर तन के नहीं खड़े होना है, हमें अपने हैमस्ट्रिंग पे जोर बनाना है। और ये हमारा पीछे का जो पार्ट है, ये पार्ट को हमें इस पोर्शन पे रखना है, ये खींच के रखना है थोड़ा सा अपने हिप को बाहर की तरफ, और ये यहाँ तक आके फिर इतना ऊपर जाना है और हैमस्ट्रिंग पे पूरा कंट्रोल लेके चलना है, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं रखना है यहाँ पर। तो वो कुछ इस तरह होगा। दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज है वो हैमस्ट्रिंग पे है, हमें पूरा डेडलिफ्ट की तरह तन के खड़े नहीं होना है, पीछे की ओर नहीं जाना है, हमें हल्का सा झुकाव अपने हैमस्ट्रिंग पे बना के रखना है, हिप को पीछे की साइड थोड़ा खींचे रखना है, यहाँ तक जाना है और 1 2 इसके भी 100 रिपीटेशन करने हैं, 3 4 5 दोस्तों हमारी नेक्स्ट एक्स वर्कआउट है डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। इसके भी 100 रिपीटेशन मारना है, जो कुछ इस तरह है। इसको भी कुछ इस तरह करने हैं 100 रिपीटेशन। दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, जो कि बारबेल से भी कर सकते हैं और घर पे कर रहे हैं, या फिर भी कम वेट पे करना चाहेंगे तो ये डंबल से भी परफॉर्म करें जा सकते हैं। इसके भी हम 100 रिपीटेशन मारेंगे। तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ देना मत भूलिएगा आपका अपना चैनल विशाल जिम फिटनेस सीरीज। कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है, पीछे की ओर हल्का होना है, अपने बैक को स्क्वीज करना है, फिर नीचे जाना है। दोस्तों हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज रहेगी अब, इसके भी 100 रिपीटेशन मारने हैं, इसको डंबल अनलॉक प्रेस बोलते हैं, जो कुछ आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर जाइए, नीचे आइए, वापस यही मूव कीजिए, ऊपर जाइए, नीचे आइए, मूव कीजिए, देन वापस मूव कीजिए, 2 3 4 इसके भी 100 रिपीटेशन करेंगे पूरे दमखम के साथ, 6 वो सेट चाहे 1 हो चाहे 10 हो, करना है तो करना है। मेरे 10 रिपीटेशन कंप्लीट हुए, हम 25-25 के मारेंगे 4 सेट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। दोस्तों हमारी बाइसेप की एक्सरसाइज रहेगी डंबल शोल्डर प्रेस के, हमने 100 रिपीटेशन कंप्लीट कर लिया है, डे 6 है, फॉलो लाइक करना मत भूलिएगा। 7वें दिन से हम लोगों की अभी तक फंक्शनल ट्रेनिंग चल रही है, हर एक वर्क पार्ट, हर एक बॉडी के वर्क पार्ट के हमने पार्ट्स के वर्कआउट किया, उन्हें तोड़ा मरोड़ा है। मेन एक्सरसाइज हमारी 7वें दिन से स्टार्ट होगी, इसलिए जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑल रखिएगा, ताकि आपको सारी 100 दिनों तक जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों फिलहाल हम करेंगे इंक्लाइन बेंच पे बाइसेप की अपनी एक्सरसाइज, इसके भी 100 रिपीटेशन करेंगे।
दोनों हाथ से 50-50 करेंगे, दोनों हाथ से 50-50 मारना है, 100 रिपीटेशन दोस्तों। दोस्तों ट्राइसिप है हमारी नेक्स्ट वर्कआउट, इसके भी 100 रिपीटेशन मारना है ट्राइसिप की रॉड में। हल्का वेट लगा लीजिए आप, मैंने 5-5 केजी लगाया, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, लेकिन 100 रिपीटेशन मारना है और इसको रिवर्स ट्राइसिप बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऊपर जाइए, फुल रेंज ऑफ मोशन रखिए, 11, 12। दोस्तों हमारी नेक्स्ट वर्कआउट रहेगी नेक बिहाइंड सिंगल हैंड डंबल, इसको भी हम 100 रिपीटेशन मारेंगे 50 इस हाथ से 50 इस हाथ से। वो कुछ इस तरह होंगे, मैं आपको बताता हूँ। पूरा स्क्वीज कीजिए, नीचे आने दीजिए, अच्छा बैलेंस रखिएगा, इसके 100 रिपीटेशन मारना है। दोस्तों आज हमारा डे 6 का फंक्शनल ट्रेनिंग वर्कआउट खत्म होने को ही है, तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक मिस किया हो, आप वर्कआउट करते आ रहे हैं चलेगा, बट आगे की एक्सरसाइज बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। day 1 to day 100 मैं आपके साथ हूँ, फॉलो ना करना भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑल और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विशाल जिम 100 डेज फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को जय हिंद। दोस्तों यहाँ हमारा कंप्लीट होता है day 6। हमने किसी एक बॉडी पार्ट्स को अभी तक लेके नहीं चलाया हमने, क्योंकि मेरा रेस्ट हो गया तो मैंने उसी हिसाब से स्टार्ट किया वर्कआउट की पूरी बॉडी का फंक्शनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट्स को मैंने 100-100 रिपीटेशन पूरे वीक में किया, किसी एक पार्ट्स को नहीं किया बॉडी के। और आज हमारा day 6 कंप्लीट होता है, day 7 में आपसे मिलते हैं जल्द, मंडे से हमारा स्टार्ट होगा वर्कआउट day 7 का। बने रहिएगा साथ में मित्रों, ऐसे ही साथ देते रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आज जिम नहीं जा पाया, सोचा वर्कआउट कैसे होगा, बट करना है तो करना है, तो घर पे वर्कआउट स्टार्ट किया, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो घर पे थे। आपको भी चाहिए होगा तो मुझे मेल कीजिएगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा, आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। तो मिलते हैं day 7 की वर्कआउट में, जय सिया राम मित्रों।